नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है और कैपेसिटर मोटर में लगाना क्यों अनिवार्य है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि किस मोटर में किस टाइप का कैपेसिटर लगेगा, कि छोटा लगेगा, बड़ा लगेगा या किस मान का कैपेसिटर उसमें लगने वाला है, ये चीज़ें भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। हमारे पास में कैपेसिटर रखे हुए हैं आपके साथ। ये जो कैपेसिटर है इसकी हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि ये हमारा कैपेसिटर सही है या ख़राब है। दूसरी बात है, हम इसकी टेस्टिंग करने के बाद में हमें इसको बताना है कि ये कैपेसिटर हमें कहाँ यूज़ आता है। तो सबसे पहले मैं कैपेसिटर की टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको फेज़ और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई होना आवश्यक है। तो ये कैपेसिटर है, इसको मैंने इस फेज़ न्यूट्रल में लगाया तो ये यहाँ पे टिक टिक की आवाज़ आती है, चिंगारियाँ उठती है। और मैं इसको जैसे इसके दोनों तारों को बिड़ा के देखूँगा तो इसमें भी चिंगारियाँ उत्पन्न होगी। देखेंगे ये इस प्रकार की इसमें चिंगारियाँ उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अगर जिस कैपेसिटर में चिंगारियाँ उत्पन्न हो रही है तो मान लेना, समझ लेना कि वो कैपेसिटर हमारा सही है, यानी कि वो ख़राब नहीं है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ 3.1 माइक्रोफेरेड का, यानी कि 3.25 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। देखेंगे, यानी कि हमारा ये जो कैपेसिटर है 3.15 माइक्रोफेरेड का, ये भी हमारा कैपेसिटर बिल्कुल सही है, ओके है, यानी रनिंग कंडीशन में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2.50 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कहाँ यूज़ आता है। तो ये 2.50 का सीलिंग फ़ैन के अंदर हम यूज़ लेते हैं। अगर हमारा सीलिंग फ़ैन फिर भी धीरे चल रहा है तो उसके अंदर हम फिर 3.15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, 3.15 माइक्रोफेरेड से अधिक कैपेसिटर हमें सीलिंग फ़ैन में नहीं लगाना है। तो 2.50 का सीलिंग फ़ैन में यूज़ आता है, 3.15 का फर्राटा जो पंखा होता है हम उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, इसको हम कूलर की मोटर में यूज़ करते हैं। तो 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर को हम सीलिंग फ़ैन के अंदर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर सीलिंग फ़ैन में यूज़ करेंगे तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। तो 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, कूलर की सिंपल सादा मोटर के अंदर हम 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कूलर की एग्जॉस्ट मोटर होती है उसके अंदर हम किस मान का कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, कूलर की जो मोटर होती है, जो एग्जॉस्ट मोटर होती है, उसके अंदर हम 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों 8 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। 8 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हम 0.5 HP का जो पंप होता है, टिल्लू पंप, उसके अंदर हम इस कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, उसको हम टिल्लू पंप में यूज़ करते हैं 1 HP के। और 3 HP का जो टिल्लू पंप होता है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। हमारे पास एक कैपेसिटर है जो जिसका मान है 200 से 250 माइक्रोफेरेड। इस कैपेसिटर को हमें कहाँ यूज़ लेना चाहिए दोस्तों, तो इसको मैं टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। इस कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं 3 HP की स्टार्टिंग मोटरी में, स्टार्टिंग कैपेसिटर के यूज़ रूप में इस कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ, तो इसमें आवाज़ आएगी बहुत तेज़, देखेंगे आप। तो इसके अंदर जो आवाज़ आई वो काफ़ी अधिक थी, क्योंकि ये हमारे जो छोटे कैपेसिटर हैं उसके अंदर कम आवाज़ आती है, और जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जाएगा कैपेसिटर का, वैसे वैसे आवाज़ भी जो है वो चिंगारियाँ ज़्यादा उत्पन्न करता है, यानी कि ज़्यादा मान का कैपेसिटर है तो ज़्यादा चिंगारियाँ यूज़ उत्पन्न करता है। अब मैं आपको बता दोस्तों, मोटर के अंदर कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं। तो मोटर के अंदर हम कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं ताकि मोटर को एक स्टार्टिंग टॉर्क मिल सके, इसलिए हम मोटर के अंदर कैपेसिटर उपयोग में लेते हैं। अगर हमारे मोटर के अंदर कैपेसिटर नहीं होगा तो क्या होगा कि मोटर स्टार्ट नहीं होगी, मोटर घूमेगी नहीं। जब मोटर घूमेगी नहीं तो अपना काम कैसे करेगी, इसलिए मोटर को घुमाने के लिए शुरुआत में उसमें एक कैपेसिटर लगाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। और जो कैपेसिटर हम लगाते हैं वो वाइंडिंग के स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर इस कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम कैपेसिटर की टेस्टिंग करते हैं और हमें पता चल जाता है कि कैपेसिटर हमारा ख़राब है या सही है। और दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया सारे कैपेसिटर, कौन से कैपेसिटर को कहाँ यूज़ करना है। और दोस्तों अगर आपको ये कैपेसिटर ऑनलाइन परचेस करने हैं मार्केट से, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप ये कैपेसिटर ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों ख़राब कैपेसिटर अगर जो होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये चिंगारियाँ नहीं होंगी, और सही कैपेसिटर होगा तो उसके अंदर चिंगारियाँ उत्पन्न होती है। इस प्रकार का विशेष ध्यान रखना है, ये सही और ख़राब कैपेसिटर की पहचान है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कैपेसिटर की टेस्टिंग करते हैं और कैपेसिटर को इसीलिए मोटर के अंदर लगाया जाता है। यही काम है कैपेसिटर का मेन, कि मोटर को स्टार्ट करना, ना कि मोटर को स्टार्ट करते रहना। तो मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए मोटर के अंदर कैपेसिटर लगाया जाता है, ताकि मोटर जो है कम वोल्टेज में स्टार्ट हो जाए। तो कैपेसिटर अगर हम लगाएं तो उसके अंदर क्या होता है कि कम समय के अंदर अधिक वोल्टेज होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने इस कैपेसिटर को अगर मान लो सप्लाई में लगाया तो इसमें चिंगारियां उत्पन्न हो रही थी, तो कम समय में अधिक वोल्टेज उत्पन्न करता है, इसीलिए मोटर को घुमाने में ये सहायता करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।